नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ लगती है मतलब मैथमेटिक्स की लाइव क्लास रोजाना लगती है, तो जल्दी से लाइव हो जाओ, अपने दोस्तों में शेयर करके आ जाओ, ताकि हम शीघ्र ही आज क्षेत्रमितीय आयतन का हमारा पार्ट 4 रहेगा। दोस्तों 3 पार्ट मैंने पहले करवा दिए, यदि वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। आज का हमारा पार्ट रहेगा 4, 4 नंबर पार्ट है दोस्तों। 3 पार्ट में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या बताया। त्रिभुज बताया था पहले में, दूसरे में चतुर्भुज और तीसरे में वृत्त पढ़ाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं यानी घनाभ, जो ठोस आकृतियां होती है घनाभ, घन है, हो सकेगा बेलन तक हम आज कवर कर लेंगे, और हो सकेगा तो शाम की क्लास में मैं कवर करवा दूंगा 9 बजे वाली, एक बार चेक कर लेना, यदि क्लास होगी तो आपको दिखाई दे देगी, और वरना शाम को मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, तो हो सकता है शाम की क्लास नहीं हो पाए, फिर भी आप एक बार आकर चेक कर लिया करो, 5-10 मिनट पहले 9 बजे होगी होगी तो, और सुबह 7 बजे वाली कल फिर हो जाएगा। क्षेत्रमितीय आयतन हम कल पूरी कर देंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आज बोर्ड पर पढ़ाने आज लाइव आया हूँ। तो दोस्तों बताना अंतिम में क्लास पूरी होने के बाद कि क्वालिटी कैसी आ रही है, क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताना, हमें सुझाव देना ताकि हम उसमें सुधार कर सके। और चलिए दोस्तों आज बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको घनाभ। जो भाई चैनल पे नया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, और क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, बिना कहीं लाइक कर दिया करो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट कॉमेंट करते रहते हैं सर आप ज्यादा बोलते हो और पढ़ाते कम हो, थोड़ा मैं बोलूंगा नहीं, हालांकि थोड़ा सा बोला जाता है। चलिए बात कर लेते हैं घनाभ। घनाभ के बारे में बात करें दोस्तों, तो पहली बात आ जाती है घनाभ होता कैसा है। तो घनाभ आप एक आकृति बनाता हूं, आप समझ जाओगे घनाभ क्या होता है। माचिस की तिल्ली नहीं, तिल्ली की जो डब्बी नहीं होती है दोस्तों, वो घनाभ ही होती है। और जैसे हमारा कमरा होता है, रूम होता है, वो भी क्या होता है, घनाभाकार ही होता है। चलो मैं आकृति आपके लिए बना देता हूँ, थोड़ी आकृति से ही बना देता हूँ मैं आपके लिए। अब बात कर लेते हैं, ये दोस्तों घनाभ आपके सामने तैयार बन गए, ये कमरे की तरह या कहीं डिब्बी है, ठीक है, यानी बॉक्स होती है ना, वो जैसे संदूक होती है, माचिस की तिल्ली होती है। अब बात कर लेते हैं, इसमें आपको आयताकार फलक दिखाई दे रहा होगा। कितने फलक आपने कमरे में देखा होगा, हमारी 4 दीवारें होती है, ऊपर छत होता है और नीचे फर्श होता है, इसका मतलब कितने, 6 आयताकार फलक होते हैं। पहले बात कर लेते हैं 6 आयताकार फलक होते हैं दोस्तों, ये बात आपको पता होना चाहिए, यानी घनाभ में कितने 6 आयताकार फलक होते हैं। फलक का मतलब ये जो भी है, ये जैसे बोर्ड की तरह सतह होती है आयताकार। अब बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें तो ये इसकी क्या है दोस्तों, लंबाई है, लंबाई को लेंथ कहते हैं, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, और आपको पता है ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई को हम किससे दर्शाते हैं दोस्तों, बी से, ठीक है, और ये इसकी क्या ऊंचाई है, ऊंचाई को हाइट डिश यानी एच, ठीक है, ये आपको दर्शाने का तरीका आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं घनाभ में आयताकार फलक तो 6 होते हैं, 4 दीवारें और एक मतलब सतह है, वो नीचे वाला फर्श है, एक ऊपर वाली छत है। अब बात कर लेते हैं इसमें किनारे कितने होते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, घनाभ में किनारे दोस्तों एक बार लाइव चैट में जवाब दो, घनाभ में किनारे कितने होते हैं, घनाभ में किनारे कितने होते हैं, जल्दी से जवाब दो, देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाते हैं। घनाभ में किनारे काफी सारे स्टूडेंट जवाब भी दे पा रहे हैं। घनाभ में दोस्तों 12 किनारे होते हैं, कितने किनारे होते हैं, 12 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार आर्मी में क्वेश्चन आता है तो ऐसे आ जाता है कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। आज कॉपी पेन साथ रखिएगा, नोट्स बना लो बढ़िया तरीके से, जैसे कि हमारे ऑफलाइन क्लासों में बच्चे बनाते हैं नोट्स और उससे बाहर आपको पता आता भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसमें कोणे कितने होते हैं दोस्तों, आपको कही घनाभ में कोणों की संख्या कितनी है, घनाभ में कोणे, कोणे और किनारे में क्या अंतर है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कोणे कही या कोने कही, ठीक है, किनारे तो दोस्तों ये होते हैं, ये किनारा है, ठीक है, ये भी किनारा आपको दिखाई दे रहा होगा, कितने 12 किनारे, यानी ये पट्टी दिख रही है किनारे। अब बात कर लेते हैं कोणे का मतलब है, तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिल रही है, वो क्या होते हैं, कोणे होते हैं। कोणे आप देख के बता सकते हैं दोस्तों, कोणे कितने हैं घनाभ में, कोणे कितने होते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 4 8 हो गए ना, एक ये 8, घनाभ में कोणे दोस्तों कितने होंगे, 8 हो गए, कोणे कितने होंगे, 8 है ना, एक बार नोट कर लो कितने 8 हो गए। अब बात कर लेते हैं घनाभ में विकर्ण कितना होता है, सारी जानकारी जो बेसिक में बता रहा हूँ दोस्तों नोट कर लिया करो, क्योंकि हम बेसिक से लेके तो क्वेश्चन हल कर पाएंगे, जैसे सीधा क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा आपको। अब बात कर लेते हैं घनाभ में विकर्ण कितने होते हैं, एक बार लाइव चैट में जवाब दो, घनाभ में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, आपको दिखाई दे रहा होगा, कोणों को मिलाएंगे वही तो विकर्ण होगा, इसका मतलब 2 कोणों को मिलाने पर 1 विकर्ण बनेगा, यानी वो विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, ये नोट कर लो। अब बात करेंगे इसके सूत्र के बारे में दोस्तों, किसके बारे में बात करेंगे, इसके सूत्र है वो मैं आपको आसान तरीके के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको भविष्य में सूत्र इसके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार क्लास देख लो दोस्तों, यदि याद करने की आपको जरूरत पड़े तो बता देना मुझे, मैं आपको एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ सूत्र आपको याद करने नहीं पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं पहले इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, जैसे पॉलिश करते हैं कलर करते हैं वो क्या जगह क्या होती है, उसका क्षेत्रफल होता है। अब बात कर लेते हैं आयतन क्या होता है, आयतन यानी उसके अंदर कितना सामान रखा जा सकता है, वो क्या होता है, उसका आयतन होता है।
चलो मैं बता देता हूँ, पहले बात कर लेते हैं। पहला सूत्र आपका है घनाभ का। पहला सूत्र दोस्तों क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नाम लेते ही बच्चों के दिमाग में आता है बड़ा वाला सूत्र। दोस्तों आपके दिमाग में भी आता होगा बड़ा वाला सूत्र, और कई ट्रिक के माध्यम से भी याद रखते हैं, जैसे लको चौधरी चौको ऊंट लंबो ऊंट ले, जो भी आप कई ट्रिक याद रखते हैं। लेकिन ट्रिक, कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। देखो मैं आसान तरीके से आपको बताऊंगा। मैंने अभी बताया घनाभ में छह आयताकार फलक है, और आपको पता है दो दो बराबर है, दो दो बराबर, यानी दीवार होगी तो इसके सामने वाली दीवार इसके बराबर, और इसके सामने वाली इसके बराबर, और ऊपर वाला छत होती है फर्श के बराबर होती है। इसका मतलब तीन को हम जोड़ के डबल कर देंगे छह दीवारों का, या कहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो मैंने लगाया दो बार, क्या लगाया, दो लगाए। अब बात कर लेते कोष्टक लगा दिया, यानी हम फर्श का निकालेंगे और उसका डबल करेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा। इसका मतलब फर्श का क्या होगा, हाइट है लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर देखो प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये इसका क्या होगा दोस्तों, सूत्र होगा जो कि आप आसानी से याद कर सकते हो। दो दो के जोड़े बना लो, लंबाई और चौड़ाई साथ लो, फिर चौड़ाई के साथ ऊंचाई लो, फिर ऊंचाई के साथ मतलब बाकी क्या रहेगा, लंबाई रहेगा। ये आपका सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे कोई सूत्र याद करते वैसे भी आप याद कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दो नंबर, बात कर लेते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन आपको पता ही है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका आयतन होता है। LBH कह सकते हैं, इंग्लिश में लिखो तो LBH, ठीक है LBH, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है बीच में गुणा का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, LBH। इसमें भी L गुणा जो भी आप लिख लेना, एक बार लिखना चाहो तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ दो सूत्र, तो आपके क्लियर होगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं एक बार लाइव चैट में जवाब दो। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया लगा ये तरीका आपको। अब बात तीन नंबर बात कर लेती है दोस्तों, घनाभ का विकर्ण, ये कब जरूरत पड़ेगी वो भी मैं बताऊंगा। घनाभ का विकर्ण, कभी भी दोस्तों आपको कहना इसके अंदर कितने लंबा अधिकतम बांस की लंबाई बताओ, तो आपको निकालना है विकर्ण। देखो बांस रखा जाएगा वो तिरछा रखा जाएगा, ठीक है, अधिकतम बांस की लंबाई आपको ज्ञात करना हो, इसका मतलब आपको घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना हो। कई दोस्त सोचेंगे कि यदि हम लंबे बांस तो वो रखेंगे कहां से, ये मतलब आपको नहीं ध्यान रखना। आप कई सोचेंगे कि जो हमारा दरवाजा होता है छोटा होता है तो हम रखेंगे कैसे, वो आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। आपको देखना है विकर्ण की लंबाई निकालनी है, इसका मतलब क्या है, आपने कर्ण वाला सूत्र पढ़ा होगा, वहां तो आपको पता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर रहता है, लेकिन ये त्रिविमा हो गया, इसका मतलब आपको पता है त्रिविमा में जब कोई हम विकर्ण निकालते हैं तो वो क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर मोर आ जाता है। दोस्तों क्या आ जाता है, ऊंचाई का स्क्वायर भी साथ में आ जाता है, इसका मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब चार नंबर जो कि अंतिम सूत्र है, देखो दोस्तों इस और इससे क्वेश्चन आते हैं, काफी बार क्वेश्चन आए हुए, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है यहां से आपके क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, या तो ऊपर वाले कोई सूत्र पूछ लेगा, और दोनों सूत्र है तीन नंबर और चार नंबर मोस्ट है दोस्तों, आ सकता है, नोट कर लेना आप। अगला है घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ की दोस्तों चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप सबको पता होगा। अब बात कर लेते चारों दीवारों का कब कहेगा, कई बार कहता है चार दीवारों के सफेदी करने का खर्चा बताओ, सफेदी करना हो, कलर करना हो, पेंट करना हो, तो आपको पता है उसके वक्त क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, वो निर्भर करता है यदि चारों दीवारों को कहे इसका मतलब ये लगाना है, और संपूर्ण कहे तो क्षेत्रफल ये लगाना, और अंदर कोई वस्तु रखने की बात करें तो क्या निकालना, आयतन निकालना, और बांस की लंबाई की बात करें तो विकर्ण निकालना। ये बात पहले नोट डाउन कर लो, ये आपके समझ में आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ नोट कर लेना, विकर्ण कब निकालना पड़ेगा, बांस की अधिकतम लंबाई कहे तो, ठीक है। अब देखो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, नोट डाउन कर लो ऊंचाई। अब बात कर लेते हैं, यदि कई बार इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये सूत्र कई बार आ चुका है दोस्तों, दो कोष्टक ऊंचाई फिर आगे लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि आपको पता है गुणा में आगे पीछे हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना ये और ये सूत्र तो एक ही है। अब दोस्तों इसके हम करेंगे क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इतना आप मैटर नोट कर लो, यदि इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों तो एक बार लाइव चैट में जवाब दो। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगे, वो इतना आ गया तो आपका मतलब घनाभ का मैटर खत्म होने वाला, अभी क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बिना देरी किए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ये सूत्र नोट डाउन आपने कर लिया होगा, चलो मिटा देता हूं एक बार। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, लाइक कर दो, जितने में बोर्ड साफ कर रहा हूं उतने में आप लाइक करने वाला काम कर दो, और नए है भाई वो सब्सक्राइब करने वाला काम कर दो, और बेल आइकन भी दबा दो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैसे कई बार क्वेश्चन देते हैं, यदि एक घनाभ की विमाएं, क्वेश्चन लिख सकते हो और नोट्स बना सकते हो, घनाभ की विमाएं, विमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अगला दे रहा है विमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, चलो मैं दे देता हूं
8 मीटर गुणा 6 मीटर गुणा 4 मीटर है। तो याद कीजिए, सब याद कर दो एक बार। आपको कोई एक याद करने के लिए बोलेगा, एग्जाम में एक याद करने के लिए बोलेगा। पहली बात आप याद कर दो इसका क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पूरा क्षेत्रफल आपको निकालना। चलो आप निकालो एक बार, आप भी कोशिश करो साथ में, और मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकालना। तो घनाभ का पहले बात कर लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको कोई ये याद करने के लिए बोलेगा दोस्तों, तो आप नॉर्मली कर सकते हो। चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो इसका सूत्र क्या होगा दोस्तों, दो कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। जल्दी से कर दो। अब एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो क्रम से दिए रखा है ना विमाएं, तो ये पहले वाली दोस्तों क्या होती है, लंबाई होती है। ये क्या होती है, लंबाई होती है। ये चौड़ाई होती है, और ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये आपको ध्यान रखना है, विमाएं दे इसका मतलब पहले वाली लंबाई, दो नंबर वाली चौड़ाई, और ये क्या है, ऊंचाई है। अब बात कर लेते हैं आपको क्षेत्रफल संपूर्ण निकालना। चलो मान रख के आप निकाल सकते हो, दो कोष्टक लंबाई और चौड़ाई यानी 8 × 6 + 6 × 4 प्लस 4 × 8। आप कर सकते हो इसको, आप हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। गुणा भाग आप कर सकते हो, इतना तो आप गुणा भाग तो आप भी कर सकते हो। ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो एक बार आपको बता दे, दो कोष्टक ये कितना हुआ दोस्तों, 48 प्लस कितना 24 प्लस कितना ये 32। अब इनको जोड़ दो आप, जो भी हो रहा है देख लो कितना हो रहा है, 48 और ये हो गया कितना, हो गया 50, 30, 80, 80 यानी 104 हो रहा है क्या, 80 और 104 हो रहा है शायद तक। एक बार जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो दो और चार कितना, 6, 6 और 8 कितना हो गया, 6 और 8 यानी 14, 14 80 लगी एक। अब बात कर लेते आगे, 4, 2, 6 बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते इनको गुणा कर दो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 208। कितना आएगा दोस्तों, 208। और क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा, स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। गुणा भाग आप स्वयं कर सकते हो दोस्तों, गुणा नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, आपको मैं तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है, तो आप कर लेना। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दो नंबर बात। दो नंबर बात आपको यदि निकालना हो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन भी निकाल सकते हो दोस्तों, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं। घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा, तो ये भी आप निकाल सकते हो। इन सबको गुणा करना है, यानी 8 × 6 × 4 कर लेना आप गुणा, एकदम नॉर्मल सा है। चलो मैं करके बता देता हूँ, ये कितना होगा, 48 × 4। अब चलो गुणा कर दो, 32 हासिल लगी 3, 16 × 3 कितना हो गया 19, क्या 16 × 3 19 192 मीटर की क्या होगी, क्यूब होगी, 192 मीटर क्यूब। ये दोस्तों आपका क्या आएगा, आयतन आएगा, एकदम नॉर्मल सा। आप गुणा कर सकते हो, देखो 6 और 8 को गुणा कर दिया कितना है, 48, और फिर उसको 4 से गुणा कर दो कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है 32 हासिल लगी 3 और 192 मीटर क्यूब। आयतन दोस्तों मीटर क्यूब में होगा। अब बात कर लेते तीन नंबर बात। तीन नंबर बात यदि आपको कहता ना लंबे से लंबे बांस की लंबाई बताओ, तो अब आपको क्या निकालना पड़ता, ये विकर्ण निकालना पड़ता, घनाभ का विकर्ण। दोस्तों क्या, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण क्या होगा दोस्तों, जल्दी से एक बार इसका जवाब दो, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये दोस्तों क्या होगा, विकर्ण होगा। चलो मैं निकाल के बता देता हूँ, ये आपको निकालना आना चाहिए दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसमें रखे जाने वाले बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी दोस्तों, क्लास को लाइक करते रहिएगा। चलो अब बता देता हूं मैं कैसे निकालना होगा, लंबाई का स्क्वायर यानी लंबाई कितनी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस कितना 36 प्लस कितना 16, इनको जोड़ दो, जो भी हो रहा है कितना हो रहा है, ये हो रहा है 116, कितना हो रहा है दोस्तों 116। अब आपके यहाँ आके दिक्कत खड़ी हो जाती है दोस्तों, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा 116 का रूट मीटर में, ऐसे नहीं मिले तो कैसे देगा देखना। अब इस तरह रूट के अंदर आ जाए तो कईयों की दिक्कत हो गई, तो उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। रूट निकालना आपको आता है, लेकिन इसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता तो हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान देना, ये बात आपके लिए सीखने की। चलो मैं बता देता हूँ, 116 लिखा और इसका क्या करना है, अब टुकड़े करना है, गुणनखंड करना है दोस्तों, क्या करना है, गुणनखंड करना है। चलो मैं 2 का भाग देता हूँ, कितनी बार गया 5 बार किया, फिर कितनी बार, फिर 2 का दिया कितनी बार 29 बार, फिर 29 का 1 बार। अब दिक्कत हमारी थोड़ी थोड़ी दिक्कत दूर होने लगी, आपको वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब 2 का युग्म बढ़ना चाहिए, 2 को जोड़ो बने तो अपन बार निकाल दिया। अब बात करना 2 को जोड़ो बनावा, तो अपन पता है 2 को तो जोड़ा बन गया, 2 का बन गया, इसका मतलब 2 को बाहर निकाल दो, 2 बाहर निकाल सकता है, 2 जोड़ा बन गया, स्वतंत्र हो गया, इसका मतलब उसको बाहर निकाला जा सकता है घर से, ठीक है, घर यानी यहां बात करें रूट की, ठीक है, वो वाला अगर नहीं आप थोड़े भावनाओं में मत बैठ जाना बिल्कुल भी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 29 का युग्म नहीं बना दोस्तों, 29 का युग्म नहीं बना, इसका मतलब इसको रूट के अंदर यानी घर के अंदर ही रखना है,
जो उसका घर है, तो ये इसका मीटर में उत्तर आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको बढ़िया लगे। यदि कोई इस तरह का आपका आ जाए रूट के अंदर, रूट नहीं निकले पूरा पूरा, तो आप उसके गुणनखंड करो। यदि युग्म बन रहे हैं उनको तो निकाल दो बाहर, और जिनका नहीं बन रहा उनको रख दो अंदर घर के। ये आपका उत्तर है। अब आपको कहे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपने आप निकाल लेना। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहे तो दोस्तों चारों दीवारों का क्षेत्रफल जल्दी से एक बार निकालो। चलो मैं बता देता हूं आपको, दो कोष्टक लंबाई का सूत्र अभी बताया था, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जल्दी से लगा दो ये। तो आपको बताया दो कोष्टक यहां लगा देते, चलो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो, आठ प्लस कितना छह गुणा ऊंचाई कितनी है चार, इनको गुणा कर दो जल्दी से। ये आप कर लेना, ये किसमें आएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका मतलब मीटर स्क्वायर में आएगा, ये आप निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए। हमने यहाँ दोस्तों, आप सोच रहे हो हमने एक ही क्वेश्चन किया, एक नहीं किया अब तक हमने, तीन चार क्वेश्चन हमने करवा दिया आपको। कैसा लगा एक बार लाइव चैट में जवाब दो, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया लगा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया पसंद भी आया। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया एक बार लाइव चैट में जवाब दो, देख लेते कौन कौन क्या। बिल्कुल, चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया लगा है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही क्लास। क्लास को लाइक करते रहिएगा, मिटा दो एक बार, नोट डाउन कर लेना जो भी है, ठीक है। चलो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन हम करेंगे, दो चार क्वेश्चन हम कर लेंगे, फिर आपका घनाभ क्या हो जाएगा दोस्तों क्लियर हो जाएगा। घनाभ के क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। चलो घनाभ के आप क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर दो लिखो जल्दी से इस क्वेश्चन का दोस्तों जवाब देना है आपको। यदि एक घनाभ दोस्तों, यदि एक घनाभ की विमाएं 10 मीटर गुणा 8 मीटर गुणा 6 मीटर है, तो इस घनाभाकार कमरे में, घनाभाकार कमरे में रखे जाने वाले बांस की अधिकतम लंबाई बताओ, रखे जाने वाले बांस की अधिकतम लंबाई बताओ। दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बाकी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बाकी है, तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। बांस की अधिकतम लंबाई बताओ, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं, अधिकतम लंबाई बताओ। चलो देख लेते कौन कौन जवाब देते हैं, समझ गए हो तो जवाब दो दोस्तों, समझ गए हो तो जवाब दो जल्दी से। चलो एक बार मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं, इतने में आप देख लो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको, जवाब दो। अब आपको निकालना है विकर्ण दोस्तों, क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या होगा, क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। विकर्ण निकालने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं आएगा। चलो जल्दी से निकालो, अब वही बात आएगी, अब देखते किन के पीछे वाले वो घर से बाहर निकालने वाला रूल नियम पता हो गया, देख लेते कौन कौन। चलो मैं एक बार दोस्तों, कोई मतलब प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके आप बताना, क्या क्वालिटी कैसी आ रही है और समझ में आ रहा है क्या, जो भी आप आपकी कोई दिक्कत होती है वो कमेंट कर दिया करो। अब काफी सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, सर उसका जवाब नहीं देते आप। दोस्तों देखो व्हाट्सएप पे काफी सारे मैसेज आए हुए रहते हैं, तो प्रत्येक का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो आप थोड़ा मुझसे मतलब परेशान मत होना दोस्तों, कहीं तो क्या हो जाते हैं थोड़े से मतलब, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हमें सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों, क्लास लग रही है रेगुलर लिया करो, आपको फायदा होगा। चलो अब आपको क्या निकालना है, चलो लंबाई का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो 100 प्लस जहां तक होगा, मैं जल्दी जल्दी करवाने की आपको कोशिश कर रहा हूं बोलने की कम, अब देख लो। चलो ये कितना 64 प्लस कितना 36, अब बात कर लेते हैं आपको इनको जोड़ दो कितना हो रहा है, ये 100 प्लस ये देखो 100 हो रहा है ना, इसका मतलब 200 है रूट के अंदर दोस्तों, 200 आ गए, ये तो आपके ऑप्शन में ये 200 अंदर मिलेगा रूट के मीटर, ये मिलेगा जवाब। अब ये न मिले तो आपको दूसरा तरीका वही 200 के दोस्तों क्या कर लो, 200 के कर लो गुणनखंड, और जिनका जोड़ा बनता है उसको निकाल दो घर से बाहर, और जिनका नहीं बन रहा है उनको रखो घर के अंदर। चलो देख लेते हैं, 2 का भाग दिया कितनी बार 100 बार, फिर 2 का दिया कितनी बार 50 बार, फिर 2 का दिया, चलो देख लेते हैं सही दे रहे 100 बार, फिर कितनी बार 50 बार, फिर कितनी बार 25 बार, फिर देखो किसका जा रहा है 5 का, चलो निकाल लिया। अब देखो आपका उत्तर आ जाएगा जल्दी से, वैसे भी आपको दिख रहा है इसको 2 × 100 निको ना सीधा भी कर सकते हैं, 2 × 100 इसका मतलब 100 का कितना है 10 रूट 2, या फिर वो वाला तरीका लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है ये इसका तो जोड़ा बना और इसका भी बना, इसका मतलब 2 × 5 बाहर आ गया, अंदर कौन रहा, ये 2 अकेला है ना वो अंदर रह गया क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना है, इसका मतलब ये घर के अंदर ही रहेगा, इसका मतलब 10 रूट 2
मीटर ये आपका क्या आएगा दोस्तों, जवाब आएगा काफी सारे स्टूडेंट जवाब भी सही दे पा रहे हैं, मुझे देख पा रहा हूँ जहां तक। तो दोस्तों ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा, आप मुझसे बिल्कुल भी नाराज मत होइएगा, मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊंगा इसका मतलब आप नाराज हो जाते थोड़े, तो नाराज मत होइएगा। और कहीं कहते कम बोला करो, कम वैसे मैं पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ ठीक है, और लाइक का भी थोड़ा बोलना पड़ता है क्योंकि वैसे आप लाइक करना भूल जाते हो इसलिए। चलो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा, एक बार नोट डाउन कर लो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपके आ सकता है, स्टार लगा दो भले इस तरह का 19 को एग्जाम होगा तो कोई ना कोई एग्जाम में आपके जरूर आएगा। चलो दोस्तों ये मिटा देता हूँ एक बार, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, वो क्वेश्चन भी दोस्तों आ सकता है उसी तरह का मैं लिखूंगा, और इस क्वेश्चन के बाद आपका जो घनाभ होगा उसके बारे में नॉर्मल, क्योंकि आर्मी में क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे लेवल एक बार करवा रहा हूँ, यदि आप कहोगे थोड़ा मैं ऊपर भी करवा दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ मैं आपकी स्क्रीन के सामने और आपको देना है जल्दी से जवाब, देख लेते कौन कौन जवाब सही दे पाते। यदि यदि एक घनाभ की विमाएं 3 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1 मीटर है तो इसके चारों दीवारों के 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी करने का खर्चा बताओ, दोस्तों क्लास कैसी लग रही है एक बार जल्दी से जवाब दो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लग रही है क्लास, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, लाइव चैट में देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो यदि एक घनाभ की विमाएं आपको दे दी है इसका मतलब ये वाली दोस्तों क्या है, लंबाई है, ये वाली चौड़ाई है और ये वाली ऊंचाई है। अब बात कर लेते हैं आपको कुछ नहीं निकालना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना, फिर खर्चा निकालना, रुपए से गुणा कर देना। चलो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का अभी सूत्र बताया था दोस्तों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगा दो और आपका उत्तर आ जाएगा। और क्या है चलो बता देता हूं एक बार, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है देखो 3 प्लस 2 कर दो, फिर ऊंचाई कितनी है 1। चलो कर देते जल्दी से, 2 कोष्टक ये गुणा पहले ये कोष्टक वाला अलग कर दिया, कितना है 5 गुणा 1 को गुणा में लिखने की जरूरत भी नहीं है, 10 क्या आएगा दोस्तों क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर आएगा, वर्ग मीटर आ गया 10 वर्ग मीटर, उसका क्या हुआ चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया। अब आपको क्या कहे 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ये तो देखो क्षेत्रफल आया, आपको खर्चा चाहिए इसका मतलब क्षेत्रफल गुणा रुपए कर दो तो 10 गुणा 20 यानी आपका कितना आएगा 200 रुपए में उसके सफेदी कर पाएंगे हम यदि इस नाप का कमरा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये भी इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकता है। देखो दोस्तों मैं कभी नहीं कहता हूं कि आंकड़े चेंज हो सकते, फिर भी जहां तक संभव होगा आंकड़े भी आपको वही मिलने की संभावना है, जो मैंने पहले 2 क्वेश्चन में आंकड़े दिखाई वो ज्यादातर आंकड़े वही आते हैं दोस्तों, पहले वाले आंकड़े से भी ये हल कर लेना चारों दीवारों का खर्चा वाला ठीक है, पहले वाले दोनों क्वेश्चन थे उसके आंकड़े उठने की दोस्तों संभावना है ज्यादा, तो वो नोट डाउन कर लेना आप, ताकि आपके कोई भी आए क्षेत्रफल निकालना आए, कोई भी निकालना है आयतन निकालना है या चारों दीवारों का है, तो आप वो नोट डाउन कर लेना, चारों निकाल के रख लेना ठीक है ना, पहले वाले दोनों क्वेश्चन ये दोस्तों आपके घनाभ से यदि आपके क्वेश्चन आएगा 19 तारीख को आपको एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा आपके। चलिए दोस्तों आप आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, मिटा दिए क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्टकट करा रहा हूँ आपको भी पता है थोड़ा, क्योंकि टाइम आपके पास कम है इसलिए रिवाइज भी मानो आप एक तरह से, पहले हमें टाइम नहीं मिला था थोड़ा ऑनलाइन पढ़ाने में ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला दोस्तों क्या पढ़ेंगे, अब अगला आ गया आपका घन, दोस्तों क्या आ गया घन, आ गया घन के बारे में अब हम जानेंगे घन क्या है। घन देखो दोस्तों जैसे आपको पता है आयत और वर्ग में अंतर था उतना ही घन और घनाभ में अंतर है, तो आपको पता है उसमें तो थे आयताकार फलक, घनाभ में थे आयताकार फलक और इसमें होगी क्या होगी वर्गाकार फलक। अब बात कर लेते चलो आप आकृति देख के भी समझ जाओगे कितना अंतर है, इसमें देखो दोस्तों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है बराबर होती है, इसमें सूत्र भी आपको ज्यादा हार्ड नहीं लगेंगे। चलो मैं बढ़ा देता हूं आकृति थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बने तो थोड़ा देख लेना आप ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये आपका क्या बना दोस्तों घन बन गया, दोस्तों क्या बन गया घन, इसकी दोस्तों आपको दिखाई दे रही है हालांकि थोड़ा चित्र मैंने सही नहीं बनाया होगा फिर भी लगभग सही बनाने की कोशिश की है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोस्तों आपको बराबर लगभग मालूम हो रही होगी, ये भी दोस्तों इसकी क्या है भुजा है और ये क्या है भुजा है, यानी सबकी लंबाई भुजा 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 है, यदि हम इसको ए लिख दो तो इसको भी ए लिखना पड़ेगा और इसको भी ए लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, एस लिख सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है, एस का मतलब साइड होता है, कई बार एक्स भी लिख देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या होते हैं 6 वर्गाकार फलक होते हैं दोस्तों,
घना में आयताकार थे, जबकि घन में क्या होता है, छह वर्गाकार फलक होते हैं, छह वर्गाकार फलक। और बात करें तो कोने किनारे वो उतने ही है, क्योंकि वैसा ही है। इसमें क्या हुआ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। अब बात कर लेते हैं पहला क्या हुआ, पहला सूत्र की बात करें तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता है इसमें कितने फलक है, छह फलक है और वर्गाकार है, और सारे बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, छह गुणा एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसका मतलब छह गुणा भुजा स्क्वायर दोस्तों आपका क्या होगा, छह गुणा भुजा स्क्वायर आपका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब बात कर लेते हैं दो नंबर बात दोस्तों हम करें तो फिर बात करें घन का आयतन। दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, जल्दी से नोट डाउन कर लो सूत्र। घन का आयतन होगा भुजा की क्यूब, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई सब क्या है, भुजा 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 है। तो इसका मतलब भुजा गुणा तीन बार लिख दो या भुजा की क्यूब लिख दो, ये आपका क्या होगा, आयतन होगा। तीन नंबर बात करिए तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण ये भी नोट डाउन कर लो। घन का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, रूट तीन गुणा भुजा, रूट तीन गुणा भुजा, या कई जगह इसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से बाहर है भुजा दोस्तों, रूट से बाहर है। इसका मतलब भुजा को कई जगह इधर भी लिख देते हैं भुजा रूट तीन, यानी भुजा के आगे यदि रूट तीन लगा दे तो वो क्या आ जाता है, उसका विकर्ण आ जाता है। ठीक है, अब बात करें चारों दीवारों का तो चार गुणा भुजा स्क्वायर होगा, क्योंकि चारों बराबर है। तो इस तरह से आप नोट डाउन कर लो एक बार सूत्र, और अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और फिर घन और घनाभ दोनों के मिले जुले क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये नोट डाउन कर लिया होगा, चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम सीख लेते हैं, थोड़ा सा मिटा भी इधर लिख देता हूं, ये सूत्र आपने लिख ली होगी। चलो ऊपर एक क्वेश्चन लिख देता हूं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, यदि एक घन की भुजा 6 मीटर है तो ज्ञात कीजिए। सब ज्ञात कर दो एक बार, पहला क्वेश्चन इस तरह से कोई आए तो आप कर सकते हो। घन का आयतन पूछे, घन के मतलब चारों दीवारों या जो भी है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो आपको पता है पहले हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है क्या होगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होगा। मिटा देता हूं थोड़ा सा दोस्तों, क्या होगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होगा। चलो निकालो जल्दी से, तो 6 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते, 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी आपका कितना आएगा, जो भी आएगा कितना आएगा, 36 गुणा 6 कर लो जल्दी से। क्या है, घन याद होने चाहिए दोस्तों, घन याद होने चाहिए, तो 36 हासिल लगी 3 216 मीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल हमेशा दोस्तों किसमें होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। अब बात कर लेते हैं यदि आपको कहे आयतन, किसका कहे आयतन, तो आयतन आपको पता है क्या होगा, भुजा की क्यूब होगा। क्या होगा दोस्तों, भुजा की क्यूब होगा। इसका मतलब 6 की क्यूब कितना होगा, 216 मीटर की क्यूब, आयतन मीटर क्यूब में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो आपको कहे विकर्ण बताओ, तो विकर्ण को तो आपको डायरेक्ट लिख देना है भुजा रूट तीन। दोस्तों क्या होगा, भुजा रूट तीन यानी 6 रूट 3 आप निकाल सकते हो, मीटर है तो मीटर लगा दो, ये आपका वहां विकर्ण। तो इतनी चीजें इसमें घन में, यानी आपको या तो कहेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कहेगा आयतन, या कहेगा विकर्ण, ये आपको ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूं, जल्दी से आप कर देना। यदि एक घन की भुजा 7 मीटर है तो ज्ञात कीजिए। सब ज्ञात कर दो एक बार, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते, याद कीजिए। पहले बात कर दो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, आपको पता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा 7 गुणा 7 कर दो, यानी जो भी है 42 गुणा 7 कर दो, कितना आ रहा है, 7 × 2 = 14 हासिल लगी 1 28 1 294 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। निकाल सकते हो दोस्तों आराम से, जल्दी से आप गुणा कर लिए करो आप। अब आपको कहे क्या, कहे आयतन, तो आयतन क्या होगा, आयतन होगा भुजा की क्यूब। आयतन क्या होगा दोस्तों, भुजा की क्यूब यानी 7 की क्यूब कितना होता है, 343 होता है मीटर की क्यूब, क्योंकि आयतन मीटर क्यूब इकाई मीटर क्यूब भी होती है, ये आपको ध्यान रखना। अब बात करें विकर्ण, आपको पता है कैसे निकालेंगे, भुजा रूट तीन। दोस्तों भुजा रूट तीन क्या होगा, विकर्ण होगा। इसका मतलब भुजा कितनी है, 7 रूट 3, ये आप कर सकते हो, मीटर होगा। ठीक है, विकर्ण वो मीटर में होगा। ये आपके 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा दोस्तों। क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से, काफी सारे स्टूडेंट के समझ में भी आ रहे हैं, बढ़िया रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते आगे, चले हम चले आगे क्या,
थोड़ा सा आप ये तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन मैंने करवाए आराम से आप कर सकते हो। आप थोड़ा सा हम डीपली जाते हैं दोनों को, हम जो कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं दोनों का, यानी हम बात करें घन और घन आपके, बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। जो अभी तक बने रहे उनको धन्यवाद, क्लास को लाइक करने वाले को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी क्लासेस प्रोवाइड करता रहूंगा हमेशा। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आपको मैं दूंगा और उत्तर अब आपका आना चाहिए, क्योंकि हम बेसिक चीज अब सीख गए हैं तो आप जाएंगे इसकी गहराई में, क्योंकि प्रत्येक चीज की हम बेसिक सीखने के बाद गहराई में जा सकते हैं, जैसे सीधा ही नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए आप बात कर लेते हैं, क्वेश्चन मैं लिखता हूं और आपको जवाब देना है। यदि एक घन का आयतन 64 मीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों जल्दी से जवाब दो, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। आयतन मैंने दे दिया आपको, बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं, इतने में आप जवाब दो, काफी सारे स्टूडेंट मेहनत भी करे। तो आपको दोस्तों क्या दिया, आयतन दिए। घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन आपका होता है, आयतन क्या होता है दोस्तों, भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब दोस्तों, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। चलो इसमें एक बात सही डालो, ठीक है, चलो मैं सही करवा लेता हूँ थोड़ी सी, और ये क्वेश्चन हम करते हैं अभी सीखे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भुजा क्यूब का मान आपको दोस्तों दे दिया, कितना दिए 64 दिए। भुजा क्यूब का मान दोस्तों कितना दिए 64 दिए, इसका मतलब आपका, यानी ये भुजा की क्यूब है, इसका मतलब यदि भुजा कितनी होगी, हमें घनमूल निकालना पड़ेगा दोस्तों, 4 का घन है, इसका मतलब 4 मीटर की क्या होगी, भुजा होगी। आपको कहता दोस्तों इसकी भुजा कितनी है, तो आपका जवाब होता 4 मीटर। क्या मैंने भुजा का कहा नहीं कहा, तो फिर हमने ज्ञात क्यों किया, क्योंकि भुजा ज्ञात करके फिर ही तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब निकाल लेते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अभी बताया था 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, अब बात कर लेते 6 गुणा 4 गुणा 4, आप निकाल लो जल्दी से, कोई दिक्कत भी नहीं। चलो मैं निकाल के बता देता हूं, 6 गुणा 16 यानी 96, और क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल, हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, गुणा करके आप देख सकते हो 16 कितने होते हैं 96 होते हैं। ये आपका जवाब है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा, समझ में भी आ गया दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन आपके कई बार आया हुआ है और आपके भी आ सकता है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो एक बार। अब चलो और भी बढ़िया क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं दोस्तों, घन घनाभ का आज पूरा ही टंटा खत्म कर देंगे। ठीक है, घन घनाभ का टंटा खत्म कर देंगे, फिर हम कल पढ़ेंगे बेलन शंकु और गोला अर्धगोला, क्लास कल तक हम पूरी कर देंगे इस प्रश्नावली, क्योंकि काफी सारी लंबी प्रश्नावली है और आपको पता हो तो दोस्तों, चलो मैं मार्क कर ले लियो, आपको पता हो तो इस टॉपिक से आर्मी में देखे तो 2 या 3 क्वेश्चन पक्के है दोस्तों, कहीं नहीं मानेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, तो वो गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों। प्रश्नावली कितनी भी लंबी हो, तो हमने टॉपिक वाइज सब करवा रहे हैं हम, तो क्लास लेते रहिएगा, रोजाना 7 बजे क्लास होती है और 8 बजे वाली क्लास भी होने वाली है साइंस की, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि थोड़ी ये क्लास लंबी होगी, तो वो लेकिन 8 बजे आपको तैयार मिलेगी वो क्लास। ठीक है, क्या टाइम हो गया एक बार देख लेते हैं। चलो अब आपको ये ध्यान रखना, अब बात कर लेते आगे चले क्या दोस्तों, चलो मैं आगे एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपको जवाब देना है, चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको जवाब देना है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, उस तरह के क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, चलो मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन लिखना दोस्तों एक, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे देता हूं, मैं आपको जल्दी से देता हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे देते हैं, चलो दे देते हैं जो भी दे देते हैं, एक बार आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। चलो मैं दे देता हूं आपको, क्षेत्रफल देना है ना संपूर्ण, 54 मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन बताओ, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, जल्दी से जवाब दो इसका, कौन कौन जवाब देते हैं देख लेते एक बार जल्दी से दोस्तों, जवाब दो कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते दोस्तों। अभी तो मात्र लगभग हमें आधा घंटा से थोड़ा ही ऊपर हुआ है, तो क्लास ज्यादा लंबी नहीं हुई, 8 बजे वो साइंस वाली क्लास होगी दोस्तों, साइंस वाली क्लास अभी शीघ्र होने वाली है, तो लाइव जरूर आना 8 बजे साइंस की क्लास होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे ध्वनि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम टॉपिक वाइज चलेंगे दोस्तों, अब हमारा चैनल का बढ़िया तरीके से हम अब टॉपिक वाइज चलेंगे प्रत्येक चीज, सुबह देख लेते हैं।
आपको क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। दोस्तों क्या होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर आपको दे दिया, कितना दिया 54। अब आपको भुजा निकालना पहले, क्योंकि आयतन निकालने से पहले आपको भुजा होनी चाहिए आपके पास, इसका मतलब 6 से काट दो, कितनी बार 6 से कितनी बार कटा, 9 बार। भुजा स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना है, 9 है, इसका मतलब आपकी भुजा कितनी है, भुजा की लंबाई आ गई दोस्तों आपकी 3। अब आपको क्या निकालना है, आयतन। आयतन क्या होता है दोस्तों, किसका, घन का आयतन होता है, भुजा क्यूब, कितना होता है दोस्तों भुजा क्यूब, इसका मतलब 3 की क्यूब कितना होगा, 3 की क्यूब 27 होगा, तो 27 मीटर क्यूब आपका क्या होगा, आयतन होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था दोस्तों, आपके उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गए। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, दोस्तों क्लास उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी, क्लास को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि यहाँ लाइव क्लास चलती है आपके लिए मैथमेटिक्स के आसान तरीके के माध्यम से। जो भाई चैनल पे नया था वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दो दोस्तों। एक बार आज लाइव चैट में तो आप चलो आप कॉमेंट करके आपको बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसी हमारी क्वालिटी थी, आज जरूर रिस्पॉन्स दे दिया। चलिए दोस्तों आज क्लास में इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।